छत्तीसगढ़ के प्रथम और पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की बहू ऋषा जोगी के जाति प्रमाण पत्र को मुंगेली जिला जांच समिति ने निलंबित कर दिया है। अब इसकी रिपोर्ट उच्च स्तरीय जांच समिति को भेजी जाएगी। इसके साथ ऋषा जोगी के मरवाही चुनाव लड़ने की संभावनाएं खत्म मानी जा रही हैं। छानबीन समिति के अध्यक्ष एडीएम राजेश नश्वीने ने बताया कि ऋषा जोगी जाति प्रमाण पत्र मामले में जिला सत्यापन समिति ने 2 दिनों तक प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच की, प्रमाण पत्र का संदेह दूर नहीं होने पर उसे निलंबित किया है। मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए अमित जोगी ने कहा कि ऋषा जोगी का प्रमाण पत्र राजनीतिक दबाव और दुर्भावना में केवल इसलिए निलंबित किया गया क्योंकि वे स्वर्गीय अजीत जोगी और रेणु जोगी की बहू हैं और मेरे बेटे की मां हैं। सरकार किसी भी सूरत में मेरे परिवार को चुनाव लड़ने से रोकना चाहती है। जब तक उनका प्रमाण पत्र पूर्ण रूप से निरस्त नहीं किया जाता है, उनके नामांकन पत्र को स्वीकार करने के अलावा निर्वाचन अधिकारी के पास कोई दूसरा वैधानिक विकल्प नहीं है। गहन समीक्षा की गई और विश्लेषण किया गया, उसके बाद निष्कर्ष के आधार पर जो वह जाति प्रमाण पत्र संदेह से परे साबित नहीं होने के कारण प्रथम दृष्टया उसको अभी निलंबित किया गया है और उच्च स्तरीय जांच के लिए छानबीन समिति राज्य स्तर पर जानकारी भेजी जाएगी। मेरी धर्म पत्नी डॉक्टर श्रीमती ऋचा जोगी का आज जाति प्रमाण पत्र केवल इसलिए निलंबित किया गया क्योंकि वे स्वर्गीय श्री अजीत जोगी जी और डॉक्टर रेणु जोगी जी की बहू हैं और मेरे बेटे की माँ हैं। सरकार किसी भी सूरत में उनको चुनाव नहीं लड़ने देना चाहती है। और बड़ी खबर का रुख करेंगे, पिंटरेस्ट मिल रही है भारतीय जनता